ने अब मुंह खोल के फुकरा इंसान के बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एल्विश के फैंस हैं, मेरे चैनल पे आते हैं और आके जो है ये बातें बोलते हैं कि तुम्हें एल्विश की नेगेटिविटी दिखती है, एल्विश के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। भाई जो लोग ये बात करते हैं ना, वो लोग मेरी पुरानी वीडियो शायद देखे नहीं होते हैं। एल्विश मुझे पसंद है। एल्विश की अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअली में मेरे साथ मैच नहीं करती, मुझे वो नेगेटिव लगता है, तो क्या मैं उसके ऊपर शुगर कोटिंग करके प्यार करके और मैं ये बोलूँ नहीं एल्विश सही है, यहाँ पर फुकरा भी सही है, इस तरीके से बात करूं? तो कोई तो एटलीस्ट गलत होगा ना, कोई तो सही होगा ना, तो उसी तरीके से मुझे बात करनी पड़ेगी। तो अब जैसे कि एल्विश ने अपना व्लॉग डाला, अपना व्लॉग डाल के जो है वो अपने घर पे गए हैं, बहुत ही प्यार से मम्मी को मिले हैं, बहुत ही मम्मी बहुत ज्यादा खुश है और काफी टाइम के बाद वो अपने घर पे गए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि ये पूरा चक्कर जो है ना बिग बॉस की ट्रॉफी के ऊपर है, वैसे ऑन रिकॉर्ड तो मैं बिग बॉस का विनर हूं, अच्छा इसके लिए पंगा हो रहा है, ये काला वाला घोड़ा भी ले जाओ और जो भी लेके जाना है वो लेके जाओ, मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए, मुझे काम करना है, पैसा कमाना है, प्लॉट खड़े करने हैं, गाड़ियां लेनी है, तुम्हें यही सब चीजें चाहिए ना, जाके ले जाओ, और अगर तुम्हें अभी हो गया हो तो मुझे एक मैसेज डाल देना। ये फुकरा इंसान के ऊपर जो है एल्विश बोल रहे हैं। यहाँ पर भी कोई बात क्लियर नहीं की। अभी जब एल्विश ने ऐसी बातें स्टार्ट की थी जो कि फुकरा इंसान की तरफ से स्टार्ट नहीं हुई थी, एल्विश की तरफ से स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पर एक ऐसी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो भी जासूस की वजह से, कि जासूस ने एक ऐसा रिएक्शन दिया कि पूरी बात जो है जा के पूरा पहाड़ टूट गया फुकरा इंसान के ऊपर। फुकरा इंसान को भली बुरी बातें बोलने लग गई। फुकरा इंसान ने एक ट्वीट कर दिया कि भाई ये चीज़ें क्लियर करो, पर एल्विश ने क्लियर नहीं किया। फिर भी जो है बहुत सारी बातें चलने लगी कि भाई ये बंदा जो है वो कंट्रोवर्सी करता है, मैंने खुद बोला था ये कंट्रोवर्सी करता है एल्विश, और क्लियर नहीं करता, ये पैटर्न जो है वो देखा गया है, फिर क्लियर नहीं करता। अब जो है ये सब चीजें होने के बाद अब एक्चुअली में एल्विश के ऊपर जब फुकरा इंसान ने बहुत क्लियरली जवाब दिए, जब फुकरा इंसान ने मतलब मिडिल फिंगर भी दिखाई और बहुत सारे मतलब कि जो जो यूजर्स हैं, जो लोग हैं जो कि फुकरा को पसंद करते हैं, एल्विश फुकरा के साथ है एल्विश के मैटर में, तो उन लोगों को उसने रिप्लाई भी दिया, सीधी सी बात है। पर अब जो है एल्विश को लगा कि भाई एक और मुद्दा जो है वो करना चाहिए, अब बोल देना चाहिए कि नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है ना, तुम तो वो फुकरा इंसान को ही बोल रहे हैं डेफिनेटली। एक बात है भाई, ऑन रिकॉर्ड तो मिला, ट्रॉफी मिला, पर जनता का विनर जो है वो फुकरा मनीषा बनी, ठीक है, पर ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, इसको इन दोनों को बैठ के क्लियर करना चाहिए, बिकॉज इन दोनों का भाईचारा हम सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, भाईचारा ऑन टॉप, आप लोगों ने भी हैशटैग चलाया, हमने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आज अगर दो भाइयों में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है एक तीसरे इंसान के कारण, तो बैठें, बात करें, क्या हुआ है, अपनी क्लैरिटी दें। अब क्या पार्सल भी कर देंगे क्या, अभी मम्मी के ऊपर भी पीआर कर देंगे क्या? नहीं। अब जो है आज फुकरा इंसान को भी बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें सुनने के लिए मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि एल्विश ने फेक पीआर करवाया है। ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। इन भाइयों को क्या क्लियर करना चाहिए या नहीं, भाईचारा अभी भी ऑन टॉप होना चाहिए या नहीं, कमेंट करो। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।